नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर की। हमारे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आखिर फैटी लिवर होता क्या है, किस तरह के नुकसान पहुंचाता है और किन लोगों में इसके होने का खतरा ज़्यादा होता है। फैटी लिवर के जो पेशेंट्स हैं उनको दो प्रकार के पेशेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो टिपिकल फैटी लिवर होता है, जो पेशेंट ओबीज है यानी मोटापा है, जिसको जो डायबिटिक है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, वो टिपिकल है। जो एटिपिकल फैटी लिवर्स होते हैं, जो पतले दुबले मरीजों में भी फैटी लिवर दिख जाता है, वो जेनेटिकली यानी पुश्तैनी प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली एक फैक्टर मिलता है जिसकी वजह से उनको फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर बेसिक जो लिवर की जो एनर्जी हैंडलिंग है, जो जितनी ताकत हम खाते हैं वो लिवर डिसाइड करता है कि उसको कितना सेव करना है और कितना स्पेंड करना है। सो हमारा लिवर अगर ज़्यादा सेविंग करता है और स्पेंडिंग नहीं करता, यानी कि कंजूस लिवर है, तो वो सब कुछ फैट में कन्वर्ट करता है। सो फैटी लिवर ओवर 20 इयर्स 20 साल में 20% लोगों को काफ़ी ख़राब करता है, नुकसान करता है, लिवर सिरोसिस होने का डर होता है। फैटी लिवर में सिम्टम्स के नाम पे बहुत स्पेसिफिक या कोई एक ऐसे जैसे जॉन्डिस हो जाएगा ऐसे सिम्टम नहीं होते, वेग सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन रहना, स्पेशली राइट साइड पे जो हैवीनेस रहती है। पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो बोलता है मेरा पेट भारी भारी हो रहा है, वेट गेन होने लगता है, पर क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते इसलिए इसको टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कि आखिर अंडे सेहत के लिए अच्छे क्यों हैं। एग्स की बात करते हैं आज। एग्स बहुत ही भरपूर विटामिन्स एंड मिनरल्स का सोर्स है। इसमें बहुत ही अच्छी टाइप्स के विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। ये बहुत ही रिच इन विटामिन ए होता है स्पेसिफिकली, जो कि आपकी आईज़ की हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है, आपकी एंटी एजिंग सोर्स होता है। यूजुअली B12 की मात्रा काफ़ी कम देखी जाती है आम इंसान में, जिसकी वजह से उन्हें इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो अगर आप दो एग्स डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये सब एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। बोन्स के लिए भी ये काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि इसमें विटामिन डी बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है। अब विटामिन डी आपकी बॉडी में किसी सोर्स से जाएगा तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए हर रोज 2 से 3 एग वाइट अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। हमारी योगा एक्सपर्ट आज आपको सिखाएंगी फॉरवर्ड बेंड पोस्चर। नमस्कार, आज जो हम आसन करने जा रहे हैं उसे हम फॉरवर्ड बेंड फोल्ड कहते हैं। अपर बॉडी को हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो अगर आपको नेक में या लोअर बैक में या स्पाइन में कोई इश्यूज हैं, आप ये आसन बिना डॉक्टर के एडवाइस के या बिना ट्रेनर के ना प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलोसिस है, तब भी आप ये आसन अटेम्प्ट ना करें। तो अब हम देखेंगे इस आसन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को हिप पर तपात रखेंगे और यहाँ पे हम इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को ऊपर लेके आएंगे। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच देंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपना बॉडी को पहले एक स्ट्रेट लाइन में लाएंगे, टेबल पोज में, और ऑल द वे डाउन अपने हाथ नीचे लाते हुए अपना फोरहेड नीज की तरफ अंदर लाते हुए। और फिर धीरे धीरे इनहेल वापस और ऊपर रिलीज। अब इसी आसन को हम फिर से एक बार फॉरवर्ड बेंड करेंगे और हम अपने नीज थोड़ा बेंड रख के करेंगे, सॉफ्ट रख के। तो आप जब शुरुआत करें तो थोड़ा बेंड रख सकते हैं, उसके बाद अपने नीज स्ट्रेट कर सकते हैं। इनहेल करते हुए आर्म्स ऊपर लेके आके अपना फुल बॉडी स्ट्रेच देके और ऑल द वे फॉरवर्ड बेंड करेंगे, अपने स्टमक के मसल्स यूज़ करें और एक्सहेल, नीज को थोड़ा बेंड और फोरहेड नीज की तरफ, और फिर एक्सहेल करते हुए
इनहेल वापस एंड रिलीज एक्सहेल। इस आसन को आप शुरुआत में 3 बारी करें, उसके बाद आप इसको आप 6 टाइम्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और देखते हैं आज कौन सी नेचुरल टिप्स लेकर आई हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे थकी हुई आँखों के बारे में, यानी कि वो आँखें जो गर्मी में थकावट महसूस करती हैं, गर्मी महसूस करती हैं और जलते हुए फीलिंग होती है। इन आँखों को आप कैसे देखभाल करेंगे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो हम आपको आज बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बर्फ़ का पानी। बेहतर है कि आप इसको किसी भी छोटे मुंह वाले बर्तन में डालें, क्योंकि हम इसको एक आई कैप की तरह बनाएंगे। उसमें आप डालेंगे बहुत ही कम नमक और इसको आप सलाइन वाटर बिल्कुल हल्का सा बना के ये देखें कि आइज़ के ऊपर आपने ये कप जो है पूरी तरह कवर करके और आप अपनी आइज़ को अच्छी तरह वॉश करें, आँख खोलें, आँख बंद करें। इसके अलावा अगर आप नमक से आई वॉश नहीं बनाना चाहते हैं तो अगेन आपको चाहिए बर्फ़ वाला पानी और उसमें आप डालेंगे 3 या 4 बूंद गुलाब जल। इसको डाल के अगेन आप धीरे से अपना कैप उठा के आइज़ के ऊपर लगा के धीरे धीरे आई वॉश करेंगे, आँख खोलिए और आँख बंद करिए। ये अगर आप रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों में ना तो जलन महसूस होगी और थकावट भी एकदम से दूर हो जाएगी। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आज आपको सिखा रही हैं कि आप अपना आई मेकअप ऐसा कैसे करें कि लोगों का उस पर ध्यान जाए, यानी कि उसको कैसे ब्राइटन अप करें। कभी कभी हम आई मेकअप करते हैं पर आईज में फिर भी थोड़ी सी डलनेस रहती है। ब्राइटन करने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। अगर आप अपनी आई शैडो पैलेट को ध्यान से देखें तो उसमें 3 कलर्स होते हैं, एक डार्क, एक मीडियम और एक बहुत लाइट। जो सबसे लाइट कलर होता है इसे हाइलाइटर कहते हैं और इसी का यूज़ करके हम अपने आई मेकअप को आज ब्राइट करने वाले हैं। हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे और उस पर अपने हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे। थोड़ा डैब करा और एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दिया। अब अपनी आई के टियर डक्ट में, यानी कि इनर कॉर्नर में इस प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए, कुछ इस तरह। अप्लाई करने के बाद आप हल्का सा ऐसे अपने फिंगर से या एक मर्जिंग ब्रश से मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी आई के लिए करते हैं। अब दूसरी आई के लिए उसी तरह ब्रश में प्रोडक्ट लेकर डैब कर दिया और अब टियर डक्ट में कुछ इस तरह प्लेस करा और इसी तरह ऊपर की तरफ भी। एंड नाउ जस्ट हल्का सा डैब किया एंड योर आईज आर ऑल ब्राइट। आई होप यू लाइक दिस टिप। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitrahe। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।